नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Asus ROG Phone 3 vs Vivo X60 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो ROG Phone 3 में 6.73 इंच जबकि Vivo X60 Pro में 6.24 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि ROG Phone 3 से कम है। विड्थ की बात करें तो ROG Phone 3 में 3.07 इंच जबकि Vivo X60 Pro में 2.88 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि ROG Phone 3 से कम है। बात करें थिकनेस की तो ROG Phone 3 में 0.39 इंच जबकि Vivo X60 Pro में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो ROG Phone 3 में 240 ग्राम जबकि Vivo X60 Pro में 179 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही ROG Phone 3 में 19:5:9 जबकि Vivo X60 Pro में 19:8:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो ROG Phone 3 में 6.59 इंचेस जबकि Vivo X60 Pro में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन ROG Phone 3 में 1080x2340 और Vivo X60 Pro में 1080x2376 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ROG Phone 3 में 79.75% जबकि Vivo X60 Pro में 89.55% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो ROG Phone 3 में 391 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Vivo X60 Pro में 398 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो ROG Phone 3 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Vivo X60 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो ROG Phone 3 में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Vivo X60 Pro की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो ROG Phone 3 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Vivo X60 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही Adreno 650 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो ROG Phone 3 में Qualcomm Snapdragon 865 Plus और Vivo X60 Pro में Qualcomm Snapdragon 870 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 12 GB मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो ROG Phone 3 में 128 GB जबकि Vivo X60 Pro में 256 GB मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ROG Phone 3 में Android V10 Q जबकि Vivo X60 Pro में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी ROG Phone 3 में 6000 mAh जबकि Vivo X60 Pro में 4200 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो ROG Phone 3 में 1 कलर्स जबकि Vivo X60 Pro में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो ROG Phone 3 की 45,999 रुपीस जबकि Vivo X60 Pro की 49,990 रुपीस प्राइस है, जो कि ROG Phone 3 से ज्यादा है।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Asus ROG Phone 3 में 4 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo X60 Pro की तो उसमें 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में ROG Phone 3 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Vivo X60 Pro आगे है, इंटरनल मेमोरी में Vivo X60 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें एप्पल आईफोन 12 प्रो मैक्स है जो कि 1,24,700 रुपए में मिलता है। दूसरा आसूस ROG Phone 3 है जो कि 46,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Xiaomi Mi 10T Pro है जो कि 34,930 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 8T है जो कि 41,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।